दोस्तों 2018 बस खत्म ही होने वाला है और 2019 बस पास में ही है। 2018 इतना जल्दी चला गया कि समझ में ही नहीं आया। अगर देखा जाए तो 2018 के भी बहुत सारे प्रेडिक्शंस थे जो कुछ पूरे हुए और कुछ नहीं। एक्सपर्ट्स हर साल कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं और सबसे बेस्ट दुनिया के खत्म होने वाला प्रेडिक्शन तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहता है। हर साल एक्सपर्ट्स ये जरूर प्रेडिक्ट करते हैं कि शायद इस साल दुनिया खत्म हो जाएगी। आई होप ये प्रेडिक्शन कभी भी पूरा ना हो। वैसे ही एक्सपर्ट्स ने 2019 के लिए भी कुछ प्रेडिक्शंस किए हैं। शायद ये प्रेडिक्शन सुन के आप चौंक जाए। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल से रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट करें। तो चलिए अब देखते हैं क्या है 2019 के चौंका देने वाले प्रेडिक्शंस। वर्ल्ड वॉर 3, ये प्रेडिक्शन माइकल फिलिप्स ने किया है। माइकल फिलिप्स वो इंसान है जो ये चीज का दावा करते हैं कि वो 2043 में से यहाँ पर आए हैं हमें वॉर्न करने के लिए। माइकल ने काफी सारे टाइम एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और जब उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा तो उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। माइकल का ये कहना है कि नॉर्थ कोरिया ने US के खिलाफ न्यूक्लियर बॉम्ब प्लान किया है जो कि वो 2019 लॉन्च करने वाले हैं। माइकल ने ये भी कहा है कि जब नॉर्थ कोरिया US पे अटैक करता है तब सामने से US भी नॉर्थ कोरिया पे अटैक करता है और तभी काफी सारी तबाही मच जाती है। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि माइकल एक्चुअली 2043 से आया है, पर नॉर्थ कोरिया कंटिन्यूसली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है तो शायद ये भी पॉसिबल हो सकता है। जानवरों से बात कर पाना, यस फाइनली आप आपके डॉग को बोल पाएंगे कि बाहर जाके सूसू कर। एंड द बेस्ट पार्ट इज उसे ये बात समझ में भी आएगी। ये बात फ्रेंड सीर नॉस्ट्राडेमस ने कही थी जिन्होंने पहले भी कुछ हिस्टोरिकल चीजें प्रेडिक्ट की थी, जैसे कि किंग हेनरी का रूलर बनना और हिटलर का खौफ फैलना। और तो और फ्रेंड सीर ने खुद की मौत का भी प्रेडिक्शन किया था। फ्रेंड सीर ने ये प्रेडिक्ट किया था कि 2019 में लोग जानवरों से बातें कर पाएंगे और लोग इंसानों से ज्यादा जानवरों से लॉयल रहेंगे। चाइना USA से जीत जाएगा। नॉस्ट्राडेमस ने अपने प्रेडिक्शन में ये भी प्रेडिक्ट किया था कि 2019 में USA चाइना के साथ वॉर में हार जाएगा। चाइना और USA की दुश्मनी की चर्चा हर रोज पढ़ने में आती है। US चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए और इंपोर्ट्स कम करने से US की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। US और चाइना की इस जंग में केवल इन दो कंट्रीज को ही नहीं बल्कि और भी कई सारी कंट्रीज को फर्क पड़ेगा। इंग्लैंड में आएगा न्यू किंग। क्वीन एलिजाबेथ काफी सदियों से इंग्लैंड की क्वीन का टाइटल होल्ड करती है। बहुत सारे ब्रिटेन्स के लिए क्वीन के बगैर इंग्लैंड को चलाने का ख्याल भी डरावना लगता है। इंग्लैंड में नए किंग आने का रीजन तो एक्सपर्ट ने नहीं मेंशन किया था, बट ये जरूर प्रेडिक्ट किया था कि साल 2019 में नया किंग आएगा। शायद किंग प्रिंस विलियम भी हो सकते हैं या शायद उनके बेटे भी। खैर इन सबकी प्लानिंग तो क्वीन ने पहले से ही कर रखी होगी जो समय आने पे खुद बे खुद पता चल जाएगा। मून पे रह पाएंगे इंसान। नॉस्ट्राडेमस ने 2019 में मून पे जिंदगी की प्रेडिक्शन की थी। ये बात तो हम सब जानते हैं कि एक्सपर्ट्स कितने तरीके ट्राई कर रहे हैं मून पे रह पाने की, पर एक्सपर्ट्स के अनुसार ये चीज 2019 में सफल हो जाएगी। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मून बिल्कुल अर्थ जैसा है जहाँ लाइफ की कल्पना की जा सकती है। 2019 में आ सकती है बाढ़। बाबा वेंगा जिनके 75% प्रेडिक्शन सच होते हैं और जिन्होंने ट्विन टावर के गिरने की प्रेडिक्शन भी की थी, उन्होंने 2019 के लिए ये प्रेडिक्ट किया है कि 2019 में एशियन कंट्रीज जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना भी है, उसमें बहुत तेज बाढ़ आ जाएगी जो सब कुछ तहस नहस कर देगी।
एक्सपर्ट्स हर साल कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस देते रहता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सब में से कौन सा प्रेडिक्शन सच होता है। भले ही आप प्रेडिक्शंस देने में एक्सपर्ट ना हो, पर आस्का गुरु आपके प्रेडिक्शंस भी जानना चाहेगा। 2019 में होने वाले इवेंट्स का अगर आपके पास भी कोई प्रेडिक्शन है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।